ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन जी। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन। वॉइस क्लियर है मेरी? आशीष, मधु, गुड आफ्टरनून सुप्रिया। चलो सर स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। एक बार मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, बस एक मिनट। शुरू करते हैं। ओके, आगे सभी बच्चे। चल तो सबसे पहले हेलो भाई, गुड इवनिंग हो गया। ओके, गुड आफ्टरनून सभी को, सिद्धांत, साहिबा, सुप्रिया, जो भी बच्चे। शुरू करते हैं। बेसिकली यार आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को याद होगा मैंने पहले 2 हफ्तों का कुछ टारगेट दिया था। आप लोग याद है टाइम टेबल मैंने शेयर किया था 25 वीक का। तो उसमें मैंने पहले 2 हफ्ते में बोला था कि यार आप लोग रेशियो एंड परसेंटेज दो चीजें कर लेना, ठीक है। अब इसके लिए जस्ट टू चेक कि अपने को कितना आता है, टेस्ट के टेस्ट वाले मैनर में भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो, या फिर जस्ट टू चेक कि भाई मैंने जितना भी पढ़ा तो मेरे को कितनी क्लैरिटी है, वो सब आपको इन क्वेश्चन के थ्रू पता लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने 25 क्वेश्चन रखे थे आप लोगों के लिए, 25 थे, कल मैं यूट्यूब पे 30 बोल गया था। खैर 25 क्वेश्चन मैंने रखे थे कि रेशो और परसेंटेज पे 25 क्वेश्चन में सामने बच्चों से, मतलब लाइक क्वेश्चन करूंगा या टेस्ट के रूप में या व्हाटएवर जो भी है, मतलब 25 क्वेश्चन के थ्रू बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं वो जज कर पाए कि उन्हें कितने अच्छे से टॉपिक आता है, ठीक है। तो कल पहले मैंने एक यूट्यूब पे सेशन लिया था, मे बी आप में से कुछ बच्चे उसमें होंगे। तो यूट्यूब पे जो सेशन मैंने लिया था उसमें मैंने 10 क्वेश्चन कराए थे, 10 क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे कराए थे, बाकी के 15 अभी करेंगे। आप में से कोई ऐसा है जिसने वो यूट्यूब वाले 10 क्वेश्चन कर लिए, जो वो यूट्यूब वाले 10 क्वेश्चन करके बैठा है? है कोई? कम कोई बात मैं बताता हूं। चलो सर तो एक काम करते हैं, कहानी को करते हैं स्टार्ट। 8 क्वेश्चन राइट ओपन, बढ़िया। तो एक काम करते हैं, आते हैं स्टोरी पे और शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने कुछ इस तरह का, ठीक है। एक बार फटाफट से इसको ट्राई करो, पोल मैं क्रिएट कर देता हूं। पोल मैं क्रिएट करता हूं, ऑप्शन से आपके 1150340004000 या फिर 2250, आपके हिसाब से क्या करेक्ट आंसर होगा? आई थिंक 75 सेकंड काफी है इस क्वेश्चन के लिए। बहुत अच्छा नाविका, ऑरली हो गया अनामिका या थोड़ा पेनमेन चलाना पड़ा कुछ लिखने के लिए? प्रार्थना, जैन, बहुत अच्छे, सुप्रिया, आसान है मतलब मेरे हिसाब से, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज है, थोड़ा सा जबरदस्ती के लेंथी स्टेटमेंट करना। ओके, तो अभी तक में काफी कम बच्चे और होने चाहिए। चलो सर करते हैं डिस्कस। तो यहां पे ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है बात कर लेते हैं। इन अ बैलेट प्रोसेस 800 वोट मोर वर पोल्ड इन फेवर ऑफ अ रेजोल्यूशन देन वर पोल्ड अगेंस्ट इट। मतलब ठीक है, 800 वोट है, इन अ बैलेट प्रोसेस 800 वोट जो है वो पोल किए गए। अब उनमें से कुछ जो है
वो फेवर में है और कुछ वोट अगेंस्ट है, ठीक है, कुछ फेवर कुछ अगेंस्ट। कहता है इट वॉज ऑल्सो नोटिस दैट द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशन में अगेंस्ट पोल किए गए हैं वो 40% है टोटल पोल्ड वोट का, ठीक है। तो एक होता भाई टोटल वोट कितने, अब टोटल में से फेवर कितने अगेंस्ट कितने, फेवरेबल वोट कितने अगेंस्ट वाले वोट कितने हैं, इसने परसेंटेज यूज करिए 40%, 40% इज 2/5। ये 40% बता क्या रहा है सर, 40% ये बता रहा है कि कितने वोट अगेंस्ट पोल किए गए हैं। तो जो 2 है वो किस चीज को इंडिकेट करेगा सर, 2 डिनोट करेगा अगेंस्ट को, ठीक है। और ये अगेंस्ट देखे कितने में से गए हैं, दैट इज आउट ऑफ टोटल वोट पोल्ड, जितने भी वोट पोल किए गए उनमें से, यानी कि टोटल वोट 5। तो इन शॉर्ट यहां पर 2/5 का मतलब है कि अगर 5 वोट पोल किए गए तो उसमें से 2 जो है वो अगेंस्ट है तो 3 जो है वो फेवर में गए। अब ये कहता है अगर सारे के सारे वोट वैलिड है और या तो वो फेवर में गए या फिर अगेंस्ट गए जो भी है, तो बताओ कि कितने वोट पोल किए गए, हाउ मेनी वोट्स वर पोल्ड। ओके, अच्छा यहां पर बोला गया है कि जो फेवर में पोल किया गया है वो अगेंस्ट वाले से 800 ज्यादा है, मतलब मेरे हिसाब से जो फेवर, मेरे हिसाब से जो नंबर मैंने लेट किए हैं उसके हिसाब से मैं अगर जाऊं तो जो फेवर में वोट किए गए वो अगेंस्ट से 1 ज्यादा है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 800। फिर इसने बोला क्या कि बताओ टोटल वोट पोल कितने किए गए, अगर 1 की वैल्यू 800 है तो 5 की वैल्यू 4000 होगी, राइट है जी, सिंपल सी बात है, आई होप कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को, डन। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पक्का क्लियर है ना, एक बार चैट में बता देना ठीक है, ताकि मैं थोड़ा श्योर हो जाऊं। खैर ये क्वेश्चन तो कल मैंने दे दिया था, ये तो कल मैंने यूट्यूब पे कराया था, याद होगा बच्चों को, अगर नहीं पता है तो आप लोग ट्राई कर लेना, अगर आप यूट्यूब पे नहीं थे तो आप इसको ट्राई कर लेना, सॉल्यूशन देखना होगा तो यूट्यूब सेशन देख लेना। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आया था 10 पैसा, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे करा दिया था, इसका आंसर 10 पैसा। फिर उसके बाद चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, ऑप्शन है आपके, दैट इज 30, 40, 48 या फिर 52। क्वेश्चन की स्टेटमेंट मुझे थोड़ी सही नहीं लग रही है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आई गेस थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, बट ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट गलत है, बट थोड़ा और बेहतर हो सकता था। ठीक है, देखते हैं फिर। तो यहाँ इस क्वेश्चन में सीधा सीधा सिंपल कंपैरिजन है, अगर मैं बात करूं P, Q और R, तो P, Q, R के पास सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट है, नंबर ऑफ चॉकलेट जो Q के पास है वो P से 20% ज्यादा है, ठीक है, Q के पास जो चॉकलेट है वो P से 20% ज्यादा है, मतलब सर P के पास अगर 5 चॉकलेट है तो इसके पास 6 चॉकलेट है, क्यों, क्योंकि 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है, तो 1/5 क्या बता रहा है कि Q के पास कितनी ज्यादा चॉकलेट है P से, तो 1 ज्यादा है अगर P के पास 5 है। आगे देखो यहां से पॉइंट कंफ्यूजिंग है, यहां पे हो सकता है कि कुछ बच्चे इसको इस ट्रैक पर लेकर हो कि ये जो ये बात लिखे ना, 2/3 दैट ऑफ आर, 2/3 of that with R, मतलब R के पास जितना उससे 2/3 है, लेकिन कुछ बच्चे इसे Q पे लेके चले जाएंगे कि Q के पास जो चॉकलेट है वो R के कंपैरिजन 2/3 है, और कुछ बच्चे इसे P पर लेके चले जाएंगे, ठीक है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है वो P पर ही है, क्यों, क्योंकि बात हो रही है P की, देखो द नंबर ऑफ चॉकलेट जो कि Q के पास है
वो 20% ज्यादा है पी से, विच इन टर्न, मतलब ये जो विच है ये पी के लिए यूज किया गया, जो कि मतलब पी के बारे में बात करें जो कि आर का 2/3 है, आर के कंपैरिजन 2/3 है। आर का 2/3 होने का मतलब है कि आर के पास अगर 3 चॉकलेट है तो इसके पास 2 चॉकलेट है। क्या ये बात क्लियर है सभी को? बिल्कुल साकिब, 100 लेके भी कर सकते हैं। नहीं नहीं 100 लेके हो सकता है साकिब। आप मान लो पी के पास 100 चॉकलेट है तो क्यू के पास कितनी चॉकलेट है? 20% ज्यादा, यानी कि 120। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि पी के पास 2/3 है। अगर आप देखो क्वेश्चन में ऐसे बोला गया है कि पी के पास जो है वो आर का 2/3 है, लेकिन आपको पी पता और आर निकालना, तो आप इसको उल्टा रीड कर लो कि आर के पास पी का कितना है? 3/2 है। समझ गए? ऐसे उल्टा रीड कर लेना कि पी के पास आर के कंपैरिजन 2/3 है, तो आर के पास पी के कंपैरिजन 3/2 होगा, है ना? तो 100 का 3/2 कर लेना। 100 का 3/2 कितना होता है? 150 होता है। ऐसे भी कर सकते हो साकिब, ठीक है? गलत भी है। अच्छा, यहां पर आप इसको सेम करने के लिए ऊपर 2 इंटू करोगे, ये भी 2 से इंटू होगा। यहाँ पर 5 इंटू कर देना, ये भी 5 से हो जाएगा। तो ये हो गया 15, ये हो गया 12 और ये हो गया आपका 10। पूछा क्या है? पूछा ये है कि ये बताओ कि Q के पास इफ द नंबर ऑफ चॉकलेट विद Q इज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट विद P एंड R। अच्छा, मतलब P और R के पास चॉकलेट कितनी है? दैट इज सर 25 है। 25 चॉकलेट है P और R के पास, टोटल 25 है और Q के पास 12 है। तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि Q के पास अगर कुछ भी ऐसा बोला, द नंबर ऑफ चॉकलेट विद Q इज लेस देन द नंबर ऑफ चॉकलेट विद P एंड R बाय X। तो अगर मैं ये निकालना चाहूं कि भाई Q के पास PR के पास जो टोटल चॉकलेट है उससे कितना परसेंट कम है, तो देखो Q के पास है 12 चॉकलेट, इन दोनों पे 25 चॉकलेट, तो सर 13 कम है, कितने पे? 25 पे, इनटू 100, राइट? बाकी आप कैंसिल आउट कर लेना, 52 विल बी द आंसर, राइट है जी बात? तो इसको X बोला है और X की वैल्यू होगी 52। आई होप कोई डाउट नहीं किसी को। विनीत, रोहन, आरती, पलक, डन है ना? सिंपल, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये मैंने कल करा दिया था क्लास में, ठीक है? कल यूट्यूब पे कराया था वाला क्वेश्चन मैंने, तो इसका आंसर मैं लिख देता हूं, आप लोग क्रॉस चेक कर लेना बाद में। इसका आंसर 24:63 है, ठीक है? ये मैंने यूट्यूब पे कराया था कल। ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला जरूर ट्राई कर लेना है, ठीक है? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर ट्राई करना। इसे भी मैंने यूट्यूब पे कराया था और इसका जो आंसर था वो 39 था। अगर आपको सॉल्यूशन देखना होगा तो आप यूट्यूब वीडियो पे जाके देख सकते हो, अनअकैडमी कैट यूट्यूब चैनल पे मैं पढ़ाता हूं, ठीक है? तो ये हो गया, ठीक है? उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कल ही करा दिया था, इसका आंसर 40% आएगा। हालांकि मैंने जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसमें मैंने डेटा चेंज कर रखा था, इसका डेटा भी थोड़ा अलग है। इसको ट्राई करना है कि आप लोगों को, इसमें डेटा चेंज है। चलो इसको ट्राई कर लो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो। अरे आंसर तो मैंने बता ही दिया, छोड़ो ट्राई कर लो, मतलब 2 मिनट आप लोग ट्राई कर लो, अगर आपसे होता है अच्छी बात है, नहीं तो मैं करा देता हूँ। एक बार देखो आप लोग, ठीक है? फ्लो में मैं आंसर बोल गया, बट एक बार देखो, क्लास का ही तो है ये सर। हाँ मैंने क्लास में करा रखा है क्वेश्चन ये, हर्षित। सेम डिजिट के साथ कराया था हर्षित, क्योंकि कल जो मैंने यूट्यूब पे दिया था उसमें मैंने डेटा बदल रखा था, लेकिन क्लास में आई थिंक मैंने सेम डिजिट के साथ कराया है ना। ओके, इसमें यार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, हो सकता है कि काफी बच्चे होंगे जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है और उन्होंने इस तरह का क्वेश्चन पढ़ा नहीं होगा, तो एक बार समझ लेना इसके लिए आप लोग। देखो यहाँ पर बोल क्या रहा है कि जो आफ्टर 3 सक्सेसिव चेंजेस जिनमें 2 इंक्रीज है 1 डिक्रीज है और जो प्राइस है वॉच का वो बन जाता 154/125 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, मतलब जो फाइनल प्राइस है वो 154/125 है किसका? इनिशियल का। तो यहां से फाइनल अपॉन इनिशियल क्या निकल के आएगा? दैट इज 154/125, ठीक है? अब हम लोग परसेंटेज वाला एक होता है ना, जैसे मान लो पी परसेंट है, आप पी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो और फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 2 नंबर लिख दिए, फिर ऐसी 2p% है उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 2 नंबर लिखते हो, याद है ना सबको? फ्रैक्शन में, जैसे 10% मान लो इंक्रीज हुआ तो आपने बोला 10 से 11, फिर मान लो 20% डिक्रीज हुआ, 20% 1/5 तो 5 से 4, ऐसे करते हैं हम लोग, राइट? 33.33% कोई चीज इंक्रीज हुई है, प्लस है तो इंक्रीज हुई है 1/3 तो 3 से 4, फिर हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। लाइक यहाँ पे पहले तो कैंसिल आउट करते हैं जो भी कट रहा है, 2 के टर्म में 2 पे गया, 2 के टर्म में 5 पे, देन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 5 × 5 × 3, यहाँ पर लिखते हैं 11 × 2 × 4, राइट? वैसा सही कुछ यहाँ पे भी अप्रोच करेंगे, लेकिन क्वेश्चन बड़ा अच्छा है यार, ठीक है?
मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको ट्रेडिशनल मेथड से करना बहुत टाइम टेकिंग है, क्योंकि मल्टीपल केसेस भी बनेंगे, तो इसलिए नॉर्मल मतलब बेस्ट तरीका क्या डील करने का वो देखना। सबसे पहले एक परसेंटेज है जिससे कोई ना कोई रेशो आएगा, फिर एक परसेंटेज है उससे भी कोई रेशो आएगा, फिर एक परसेंटेज है उससे भी कोई रेशो आएगा, फिर आप क्या करते हो तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, और यहां पर क्या लिखोगे क्योंकि इनिशियल है 125 और फाइनल कितना है 154 है। फिर मेरा यह कहना था कि भैया फैक्टर करके देखना, थोड़ा आइडिया लगाना होता है, और ये बहुत ही मैं ये कहूंगा ये हिट एंड ट्रायल बहुत रैंडम सा नहीं है, बहुत लॉजिकल है अगर आप तरीके से समझो। तो यहाँ पे 125 के पहले तो आप फैक्टर कर लो, कितना हो गया 555 हो गया, ठीक 154 के फैक्टर करो, 154 11 के टेबल में कटेगा ना सर, 11 के टेबल में जाएगा कितने पे, दैट इज 14 पे जाएगा, फिर 14 आपका 7 पे कट जाता है और यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले आप सिंपली लिख दो 5 5 5, यहाँ पे 11 7 2 है, तो एक जगह 2 लिख दो, एक जगह 7, एक जगह 11। अब मेरी बात को पहले ध्यान से सुनना, देखो पहले ये बताओ इसने कहा था कि इनमें से 2% इंक्रीज है और 1 डिक्रीज है, तो जो मैंने डेटा लिखा है उसके हिसाब से देखो 5 5 5 125 बनेगा, 2 7 11 154 बनेगा, 2 इंक्रीज 1 डिक्रीज है, मानते सभी बच्चे, जैसे अगर कोई वैल्यू 5 to 7 हो रही है तो इंक्रीज, 5 to 11 इंक्रीज, 5 to 2 डिक्रीज, तो ये बात तो सेट हो गई, 2 इंक्रीज 1 डिक्रीज मिल गया, राइट। लेकिन क्या परसेंटेजेस जस्टिफाई हो रही हैं वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेजेस जो है वो है P2P4P। अगर आप देखो, अगर कोई चीज लेट से आप बोलते हो कि सर कोई एक वैल्यू जो 5 से 2 हो गई, 5 से 2 होने का मतलब है कि वो 3 यूनिट डिक्रीज हुई है, 5 पे × 100 यानी कितना हुआ 60%, तो सर यहाँ 60% डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। 5 to 7 हुआ सर, 5 to 7 का मतलब होता है 2 इंक्रीज हुआ 5 पे × 100 यानी कितना हो गया, ये आपका 40% हो गया, कितना हो गया, दैट इज 40% हो गया, ठीक। और अगर कोई चीज 5 से 11 हो रही है तो सर 5 से 11 होने का मतलब है, 5 to 11 होने का मतलब है कि सर 6 यूनिट बढ़ गया 5 पे × 100 यानी सर ये तो सीधा हमारा 120% हो गया। पर क्या ये जो परसेंटेजेस हैं, क्या ये इस फॉर्म में जा रही है P2P4P, क्या ये गई ऐसे P2P4P के फॉर्म में गई, नहीं। आप देखो एक परसेंटेज 40 है, फिर अगला उसका डबल होना चाहिए था, अगर मान लो सबसे छोटा नंबर को आप पी बोलो, पी इज लाइक 40, तो फिर अगला 80 होना चाहिए, फिर उसके बाद 4P यानी अगला P2P4P मतलब 160 होना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे, राइट। तो फिर आप क्या करते हो, रेशो यही रहेंगे, रेशो में कुछ गड़बड़ नहीं है, बस थोड़ा ना मल्टीप्लाई वगैरह कर देना। मैं बताता हूँ क्या चीज, जैसे आप एक छोटा सा चेंज यहाँ पर ये करना, अब देखो सेम नंबर में तो मल्टीप्लाई करने का मतलब बनता नहीं है, जैसे अगर कोई चीज फॉर एग्जाम्पल 5 to 2 है, तो 5 to 2 होने का मतलब है कि सर वो 3 यूनिट डिक्रीज हो गई 5 पे यानी 60% डिक्रीज हो रही है ना, 60% डिक्रीज हो रही है। अब आप इसी में 2 मल्टीप्लाई करके इसको 10 4 लिख दो, तब भी तो 60% ही रहेगा, उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। मतलब जब आप इस डेटा को थोड़ा बहुत चेंज करोगे तो सेम नंबर में मल्टीप्लाई मत करना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देखना। जैसे मेरे दिमाग में एक थॉट आया, मैंने कहा एक काम करते हैं, अब हमें पता है जब हम डेटा लिखते हैं, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दिया था, तो ऐसे हम क्रॉस में काटते भी ना, जैसे 2 के टेबल में 5 पे गया, 2 के टेबल में 2 पे गया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब मैंने पी परसेंट लिखा, 2P% लिखा, 4P% लिखा, तो जो फ्रैक्शन बने वो आपस में कटे भी होंगे, तभी कटने के बाद ये डेटा आ रहा है, दैट मीन्स वो कटे हैं डेटा, वो दोनों डेटा किसी नंबर से कोई डेटा कैंसिल आउट हुआ है। तो मैंने एक चीज सोची ऐसी, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, अगर इधर की साइड ये जो डेटा दिख रहा है, अगर मैं इस वाले 2 में एक 2 मल्टीप्लाई कर दूं और इधर 5 में 2 मल्टीप्लाई कर दूं, जाहिर सी बात है मान लो मैं इसको 4 ले लूं और इसको 10 ले लूं, तो अगर ये 4 10 होगा तो हम लोग काटते ना क्रॉस में, जैसे 2 के डेल में 2 पे गया 5 पे गया, तो अगर मैं इसको 5 4 कर दूं, ये 5 7 ही रहने देता हूं और इसको मैं 10 11 कर देता हूं, 10 से 11 होने का मतलब होता है 10% इंक्रीज, राइट। 5 से 7, अच्छा 5 से 7 होने का मतलब कितना होता है 5 to 7, 2 इंक्रीज हुआ 5 पे × 100 यानी कि 40%, ये 40% इंक्रीज। 1 कम हुआ 5 पे × 100, 1/5 × 100 इज व्हाट 20% डिक्रीज। अब देखो ये फॉर्म है ना, अगर आप इसको पी बोलते हो, अगर ये 10% को पी बोलते हो, तो ये आपका 2P है और ये आपका 4P है, राइट है। और इसमें ये मत सोचना सर ऐसे तो मैं करता ही रह जाऊंगा, ज्यादा नहीं, 1 2 बार आप ट्राई कर दो कि यार ऊपर नीचे कोई नंबर डबल कर देते हैं, आंसर बनेगा क्या, बन जाता है। और मैं सही बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन मैंने आज तक किसी बुक में, किसी एंट्रेंस में अगर देखे, कोई भी एंट्रेंस में अगर ऐसा क्वेश्चन देखा है या किसी बुक में मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा है, अगर मैंने ऐसे 10 क्वेश्चन देखे ना, तो 10 में से 8 क्वेश्चन होते हैं जिनमें कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस जैसे 125 से आपने 555 लिखा, 154 से आपने 2711 लिखा, उसी से काम बन गया, आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ कुछ एक क्वेश्चन होते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे भी दिखे
जिनमें थोड़े से चेंज करने की जरूरत पड़ी जैसे मैंने यहां पर किया, पर वो हो जाता है, मतलब इतना दिमाग चलता है, ज्यादा परेशान मत होना उस पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल क्लास में यूट्यूब पे करा दिया था, हालांकि ये वाला भी कल यूट्यूब पे हो गया था, आप लोग ट्राई कर लेना अगर किसी को करना हो, 50% आंसर है इसका, ठीक है। पलक मैंने जो कल क्वेश्चन दिया था, मैं कल भी एक क्वेश्चन बताता हूँ, कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था मेरे को याद नहीं है डेटा क्या था उसका, अभी मैं बताता हूँ। एक काम करता हूँ पलक, किसी और नंबर से बताता हूँ, कल जो यूट्यूब पे कराया था ना वो वाला भी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ओके हाँ, तो फिलहाल यहाँ पर इसका आंसर 50% होगा, जैसे मैंने वाला दिखा दिया, ठीक है। इसको आप लोग ट्राई कर लेना, ये मैंने कल यूट्यूब पे करा दिया था, ठीक है। और ये वाला भी कल मैंने यूट्यूब पे कराया था, इसका आंसर 200 है, 200 है, इसको आप ट्राई कर लेना। सॉल्यूशन आप यूट्यूब पे देख सकते हो अगर देखना होगा। और ये भी कल यूट्यूब पे हुआ था, इसका आंसर 400 है। हाँ चलो विनीत ने बता दिया, 385 और 256, बढ़िया विनीत, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते, चलो अब यहां से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसको ट्राई करो आप लोग एक बार। ऑप्शंस आर 1000, 1600, 1800 या फिर 2000। द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ कंट्री बी इन 2001। इन 2002 एंड 2003 ए शो एन इंक्रीमेंट ऑफ 10% 20% रेस्पेक्टिवली इन इट्स पॉपुलेशन, and its population in 2003 was 264,000. अच्छा आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने ऑरली किया, मतलब पेन वेन नहीं चलाया ऐसा कि भाई, या थोड़ा बहुत पेन चलाया होगा, एक बार थोड़ा ऑरली ट्राई करें, बस उससे यार थोड़ी ना स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। एक बार करते हैं, देखो सुनना। जैसे यहाँ पर है कंट्री ए की बात हो रही है, कंट्री बी की बात हो रही है, कंपेरिजन दे रखा है, कंट्री ए की पॉपुलेशन कंट्री बी से 25% ज्यादा है, ठीक। थोड़ा बहुत इसको अगर रिलेट करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो अपने मन में कि भाई 25% इज 1/4, मतलब कंट्री बी की पॉपुलेशन 4 है तो कंट्री ए की पॉपुलेशन 5 है, ऐसा बोल के अभी मन में हम लोग साइड रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कहता है 2002 और 2003 में कंट्री ए की पॉपुलेशन 10% और 20% बढ़ी। फटाफट बताओ, अगर कोई भी नंबर को मैं 10% और 20% सक्सेसिवली बढ़ाता हूं तो कितना चेंज आता है? अगर आप किसी नंबर को 10% और 20% सक्सेसिवली बढ़ाते हो कितना चेंज आता है? 32%। अगर कोई चीज 32% इंक्रीज हुई है तो वो खुद का कितना परसेंट हो गया? तो वो खुद का कितना परसेंट हो गया? अगर कोई चीज 32% इंक्रीज हो रही है तो वो खुद का 132% हो गया। अब ये कहता है कि कंट्री ए की पॉपुलेशन 264,000 है, ठीक है। अब जो पॉपुलेशन है वो खुद का 132% हो गया, जिसकी वैल्यू 264,000 है। अगर 132% की वैल्यू 264,000 है तो 1% की वैल्यू, सिर्फ 264 पे फोकस करो, 000 को हटाओ, 264 पे फोकस करो, 132% की वैल्यू 264,000, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज सर 2000, क्योंकि 132 264 को 2 पे काटेगा, 2000। तो कंट्री ए के, जो कंट्री ए है उसकी 132% की वैल्यू है 2000, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि हर चीज खुद की 100% होती है, तो 2000 के साथ 00 लगा दो, यानी 2 लाख। तो मतलब कंट्री ए की पॉपुलेशन स्टार्टिंग में 2 लाख थी
और कंट्री बी की पॉपुलेशन और ए की पॉपुलेशन में क्या था, 25% वाला लॉजिक था कि सर कंट्री ए की पॉपुलेशन उससे 25% ज्यादा है, मतलब 4 to 5 है। अब 5 की वैल्यू 2 लाख है, कनेक्ट कितने पे होगा, दैट इज 4 लाख पे, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 × 4 लाख 16 लाख, तो कंट्री बी की पॉपुलेशन 16 लाख। अब अगर कंट्री बी की पॉपुलेशन पहले 10% डिक्रीज होती है फिर 10% इंक्रीज होती है, तो अगर कोई चीज पहले 10% डिक्रीज हो रही है फिर 10% इंक्रीज हो रही है, कितना फर्क आता है, ऐसे में 1% डिक्रीज है ना, तो डिक्रीज होगा 1%, 16 लाख का 1% कितना होगा, 1600 होगा, समझ गए बात। तो इसको थोड़ा सा मतलब इस तरीके से चीजें अपने को करनी है, इससे स्पीड बहुत बढ़ जाती है। और कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन आप पढ़ते पढ़ते के साथ ही सॉल्व कर देते हो अगर डेटा आसान होता है तो, ठीक है। जैसे यहां पर तो अगर मैं बात करूं 2001 में, तो 2001 में अगर मैं बात करूं कंट्री ए और बी पे, तो कंट्री ए बी, कंट्री ए 25% ज्यादा है इससे, 25% ज्यादा है, 25% इज 1/4, मतलब ये 4 है तो ये 5 है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है 2002 और 2003 में कंट्री ए में 10% 20% का इंक्रीमेंट आया, तो सर 10 + 20 + 10 × 20 / 100 यानी कि 32% इंक्रीज होगी पॉपुलेशन, किसकी, कंट्री ए की। तो अभी कंट्री ए की पॉपुलेशन अगर 32% इंक्रीज हुई है तो कितना परसेंट हो गई सर, 132%, जिसकी वैल्यू है मतलब 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 132%, विच इज 26400, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 2000 होगी। अगर कंट्री ए के 1% की वैल्यू 2000 है तो कंट्री ए की पॉपुलेशन कितनी है शुरुआत में, शुरुआत मतलब 2001 में, तो कंट्री ए की पॉपुलेशन 2001 में कितनी है, ठीक है, तो सर 100% होती है हर चीज खुद की, तो 2000 के साथ 00 लगा दो, डन। अब अगर इसकी वैल्यू है, लेट्स, क्योंकि ये 2 लाख है तो मैं सीधा 2 लाख लिख देता हूँ, अगर 5 की वैल्यू 2 लाख तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 16 लाख, सॉरी ये 2 लाख है ना अपना, हाँ, तो ये 16 लाख क्योंकि 1,60,000 होंगे, 1,60,000 होगा ना, 1,60,000 होगा, ठीक है, 1,60,000। खैर, फिर कंट्री बी के बारे में बोला गया कि इनकी पॉपुलेशन पहले 1% डिक्रीज होती है, 10% पहले 10% डिक्रीज होती है फिर 10% इंक्रीज होती है। अगर कोई चीज एक बार डिक्रीज हो रही है एक बार इंक्रीज हो रही है विद द सेम परसेंटेज, तो ऐसे में ओवरऑल डेटा हमेशा डिक्रीज होता है, और वो कितना होता है सर, 10^100% यानी कि 1% डिक्रीज होगा, ठीक। अब अगर आप 1,60,000 का, ये जो 1,60,000 है इसका 1% निकालोगे तो आंसर कितना आएगा, 1600। आई होप ये बात क्लियर है सभी, राइट। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना। ऑप्शंस आर 396, 460, 446 या फिर 512। ओके, सो जैन, पलक, सुप्रिया, प्रार्थना, मधु, सिमरन, अंकित, सार्थक, अमन, ओके, सो एक एग्जाम हुआ जिसमें स्टूडेंट ने स्टूडेंट हैड स्कोर 38% मार्क्स और वो फेल हो गया 28 से। पता है ना, ये क्वेश्चन तो रटे पड़े होंगे सबको कि यार सर ऐसे क्वेश्चन तो बड़े आराम से आते हैं कि 38% मार्क्स आए हैं और वो फेल हो गया और 28 मार्क्स से फेल हुआ है। वहीं अगर वो 45% स्कोर कर देता है
तो 49 नंबर से पास होगा। सर दोनों केस में डिफरेंस कितने का? पहले 38% मार्क्स, अब 45% मार्क्स, यानी कि 7% का फर्क है। सर पहले वो 48 नंबर 28 नंबर से फेल होता था, मतलब जो भी कट ऑफ है उससे 28 पीछे रह गया, अब 49 से पास होता है, मतलब कट ऑफ से 49 आगे निकल गया। तो फर्क कितने का आ रहा है? सर यहाँ पे फर्क आ रहा है 77, राइट, 77 मार्क्स का फर्क आ रहा है। तो सर 7% की वैल्यू 77, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 11 नंबर, 11 मार्क्स। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? कह रहा है ये बताओ कि मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए पास होने के लिए, पास होने के लिए मार्क्स कितने चाहिए? तो सर 38% लाने हैं, 38% लाओ और उसमें 28 नंबर और लेकर आओ। 38% तो लाने ही है, फिर उसमें 28 नंबर और लाओ ताकि हम पास हो जाए। तो सर 38 × 11 कर लो और प्लस में आप 28 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। राइट है जी बात? आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। तो 446 विल बी द आंसर, आई गेस 446 ही होगा ना, 30, हाँ 446 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये तो मैंने यूट्यूब पे नहीं कराया था, ये वाला आप लोग ट्राई करो। ऑप्शंस है 1, 2, एक दो तीन चार पांच, 1, 3, एक दो तीन चार पांच, फिर उसके बाद 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, फिर उसके बाद 18, 1, 2, 3, 4, 5। In an election between two candidate A and B, 70% of the total vote were polled, but 5% of the people pressed the nota button. 56% of the valid vote were polled in favor of the candidate, resulting in A winning the election. Okay, theek hai. What was the total number of voters in that election? टोटल वोटर बताने ना, फाइव परसेंट प्रेस द नोटा, ओके सिर्फ जैन का आंसर है। कैलकुलेशन वाइज, खैर नो डाउट थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज डिफिकल्ट था क्वेश्चन, बट ठीक है। सबसे पहले तो आप ये कह सकते हो, एक नॉर्मल तरीके पे बात करें कि सर मान लो जो टोटल नंबर ऑफ वोटर है, टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने? बी है। सर 70% लोगों ने वोट डाला, तो वोट डाला है बी के 70% लोगों ने, इतने लोगों ने वोट डाला। सर इसमें से 5% लोग जो हैं उन्होंने नोटा दबा दिया है ना, तो मतलब उनके वोट काउंट नहीं होंगे। तो वैलिड वोट कितने हुए? क्योंकि ये जो वोट डले हैं वी इंटू 70%, इसमें से 5% लोगों ने नोटा दबाया, तो मतलब इसका 95% जो है वो वैलिड वोट है, जो कि बेसिकली काउंट होंगे। ठीक, फिर उसमें से सर जो विनर है उसको, यानी जो मान लो ए आपका विनर है, तो ए को 56% वोट मिले, तो सर बी को 44% वोट मिलेंगे। तो ए कितने वोटों से जीत गया? विंस बाय, जैसे वो यहाँ पे लिखा है ना कि रिजल्टिंग इन ए विनिंग द इलेक्शन बाय, कि भाई कितने वोटों से जीत गया, तो मेरे हिसाब से कितने वोटों से जीतेगा? विंस बाय कितना? 12%। तो सर इसका 12% इज इक्वल टू 95760। क्या ये बात समझ आई है सभी को, ये जो मैंने एक लाइन में लिखा है? अभी 100 मान के भी मैं बता दूंगा, बट ये जो पूरी कहानी मैंने एक लाइन में लिखी है, क्लियर है ना? कि सर टोटल वोटर भी हैं, तो उसके 70% लोगों ने वोट डाला, अब उसमें से 5% लोगों ने नोटा दबा दिया, तो V के 70% का कितना काउंट होगा? 95%। अब उसमें से सर विनर को वोट कितने मिले, मतलब विनर कितने वोटों से जीत गया? दैट इज 12%। मतलब ये जो वोट है ना, ये जो वैलिड वोट है, ये जो आपके वैलिड वोट है, इसमें से 12% की वैल्यू
दैट इज 95760, क्योंकि ये है कि ए वोट कितने कितने वोटों से जीता। फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे, वी इनटू में 7/100 आपने कर दिया, 95% इज 95/100, काट दो 19/20 हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत जो कटता जा रहा काटते रहते हैं, 12/100 चार के डल में काट दो 3/25 हो जाएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना 95760। खैर कैंसिल आउट तो होना ही है, और सबसे पहले 19 से काट देता हूं मैं, 19 से मुझे काफी डायरेक्ट दिख रहा है, 95 चार पर आता है 5040, ये सीधा कट गया, सात भी जहां तक काट ही देगा, हाँ काट देगा, तो 7 के टर्न में सर 7 7 हो गया, 1 कैरी गया, 7 2 हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, फिर उसके बाद सर ये 3 भी लगे हाथ काट ही देगा इसको, दैट इज 240 आ गया। अब सर यहाँ पर आपका 25 2 50 हो चुका है, ठीक है, तो सर 240 मतलब टोटल वोट कितने हो गए, दैट इज 240 इंटू में 25 और 20 आपका कितना हो गया, दैट इज 500 हो गया, और साथ में आप 100 और डाल दो सर, 24 5 कितना होता है 12 120 होता है, फिर सर जितने भी जीरो पीछे लाइन टू लाइन लगाते जाना, ठीक है, बात क्लियर है सभी बच्चों को, यस सुनो, हाँ 7, अच्छा 7/10 या तो मुझे 7/10 लिखना चाहिए था, बट आंसर पे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि जीरो मैंने काउंट भी नहीं करे ज्यादा, सिर्फ नंबर पे फोकस किया। खैर ये बात क्लियर है जो भी बच्चे हैं, आरती पलक राइट है, तो एक तो ये था सर सीधी सीधी कैलकुलेशन, नहीं तो फिर एक वो 100 वाला प्रोसेस होता है सर, मान लो टोटल वोट 100 है, अब 100 में से वोट कितने डाले सर, 70% लोगों ने डाला वोट, तो 70 लोगों ने वोट डाला, उसमें से 5% लोगों ने नोटा दबा दिया, तो 5% हटा दो सर, 70 का 5% कितना होता है सर, 70 का 10% होता है 7, 5% होगा 3.5 माइनस करूंगा मैं तो आएगा 66.5। अब सर 66.5 में से ए को मिले 56% वोट, बी को मिले आपके 44% वोट, इसको 56% इसको 44%। क्वेश्चन कह रहा है, अब क्योंकि इतना आसान नहीं है कैलकुलेट करना तो मैं थोड़ा रुक जाऊंगा, एकदम से नहीं कैलकुलेट करूंगा, फिर मैंने बस देखा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि भैया कितने वोटों से जीता, मतलब 66.5 मतलब 12% जो है 12% ऑफ 66.5 मैं निकालूंगा कितना आएगा, और वो जो भी आएगा उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा 9576 इससे, राइट ना, एंड देन आप आंसर पे पहुंच जाओगे, राइट है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत तो नहीं, समझ गए होंगे सभी बच्चे, राइट, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है यार, ठीक है, और बिकॉज ऑफ ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन देख के आपका मूड खराब होगा, ऑप्शन है आपके 1/2 + 5Q/P के साथ मल्टीप्लाई 25, 1/2 + 8Q/P मल्टीप्लाई 5, 1/2 + 4Q/P मल्टीप्लाई 5, and then 1/2 + 7Q/P multiply 25, तो आप बताएं क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। So, नेहा बहुत अच्छे,
कम बच्चों के आंसर आए हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना अक्सर ये मैंने पर्सनली देखा है, जब किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ वेरिएबल थोड़े ज्यादा कर दो ना, जैसे पी क्यू आर, थोड़े वेरिएबल ज्यादा डाल दो, फिर बच्चा परेशान हो जाता है, मतलब गलत होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, और कुछ नहीं होता यार ऐसे में ना, जैसा क्वेश्चन कह रहा है बस वैसा वैसा करो। स्टार्टिंग में कितने लोग हैं? पी लोग हैं, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ फर्स्ट प्रोसेस की, पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट प्रोसेस की। स्टार्टिंग में पी लोग थे, इसका ध्यान रखना है। कहता है कि देयर वर पी पीपल इन द रूम व्हेन अ मीटिंग स्टार्टेड। जब मीटिंग स्टार्ट हुई पी लोग थे, और आधे लोग जो है वो रूम छोड़कर चले गए, और आधे घंटे बाद क्यू लोग आ गए। तो मतलब अब कितने लोग बचे? सर क्योंकि पी लोगों ने स्टार्ट किया, आधे लोग रूम छोड़ के चले गए, तो बचे पी बाय टू, और फिर उसमें क्यू लोग आ गए तो पी बाय टू प्लस क्यू। तो सर ये जो पहला प्रोसेस हुआ है कि आधे लोग गए और क्यू लोग आ गए, तो उसके बाद कितने लोग हैं इस वक्त रूम में? दैट इज पी बाय टू प्लस क्यू। फिर आते हैं सेकंड पे, सेकंड प्रोसेस में सेम वही। अब ये जो लोग हैं इनमें से आधे चले गए, अगर इनमें से आधे चले गए तो बचे कितने? आधे पी बाय टू का हाफ पी बाय फोर, क्यू का हाफ क्यू बाय टू, तो ये लोग बचे हैं राइट। और फिर इसमें क्यू लोग और आ गए, क्यू पर्संस और आ गए, तो क्यू ऐड कर दो, तो अब ये कितना हो गया आपका? पी बाय फोर प्लस थ्री क्यू बाय टू, सिंपल। फिर अगेन क्या हुआ? अब आता है तीसरे प्रोसेस है, क्योंकि तीन बार ये प्रोसेस करना है। फिर इनमें से आधे लोग मीटिंग छोड़ के चले गए और क्यू लोग आ गए, तो इसमें से अगर आधे लोग चले गए तो बचे कितने? आधे। अगर आधे लोग गए तो आधे लोग बचे। पी बाय फोर का हाफ कितना होता है? दैट इज पी बाय एट। थ्री क्यू बाय टू का हाफ कितना होता है? दैट इज थ्री क्यू बाय टू का हाफ, मतलब फोर हो जाएगा। ये लोग बचे और फिर इसमें क्यू लोग और आ गए, है ना, क्यू लोग और आ गए। अब ये कितने हो गए? दैट इज सर पी बाय एट, ठीक है। पी बाय, एक सेकेंड, नहीं ठीक है, तो यहां पर हो गया आपका पी बाय एट, और प्लस में ये कितना हो गया? सेवन क्यू बाय फोर, राइट, है ना। आई होप क्लियर है। हाँ, सेवन क्यू बाय फोर, इजी। अब ये लोग बच, अब इसने फाइनली पूछा कि चलो ये बताओ कि ये आफ्टर थ्री प्रोसेस कितने परसेंट लोग रूम में बच गए हैं। तो आफ्टर थ्री प्रोसेस इतने लोग हैं जो कि रूम में बच गए हैं, ठीक है। अच्छा, गेम कितने लोगों से शुरू हुई थी? कहानी शुरू हुई थी पी लोगों से। अब पी लोगों से कहानी स्टार्ट हुई और एंड में बचे इतने, तो आपको बेसिकली बताना है कि पी बाय एट प्लस सेवन क्यू बाय फोर पी का कितना परसेंट है, ठीक है। तो आप सिंपल अपना एलसीएम ले लो, ठीक है। आपने एलसीएम लिया, एट और फोर का एलसीएम एट होता है, तो ये हो जाएगा पी प्लस, पहले आपने एलसीएम एट दे लिया तो ये तो पी रहेगा, ये आपका सेवन टू जाएगा, 14 हो जाएगा ना, टू चार दो, हाँ ठीक है, 14 क्यू हो गया, और ये पी भी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ गया आपका? दैट इज 100 आ गया, ठीक। फिर अब कैंसिल आउट कर लेते हैं। सर कैंसिल आउट करूंगा, फोर के टेबल में 25 पे जाएगा, फोर के टेबल में कितने पे जाएगा? टू पे। फिर आप क्या करना, जैसे ऑप्शन हमें दिख रहे थे, तो जैसे ऑप्शन में यहाँ पर 25 था और यहाँ पर बेसिकली दो टर्म्स थी, तो एक तो पी के साथ था 2p, डिनोमिनेटर में 2p बचा, तो पी के साथ 2p अलग कर लो, और 14 क्यू के साथ भी आप 2p को अलग कर लो। फिर आप कैंसिल आउट करोगे तो पी से पी कैंसिल आउट होगा, हाफ बच गया, प्लस टू इसको सेवन पे कट करेगा, तो सेवन क्यू अपॉन में पी, और यहाँ पर कितना आ गया? दैट इज 25 आ गया। आई होप क्लियर है बात। आरती पलक चुकी बच्चे, राइट। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला, ऑप्शन आपके 52.18%, 56.81% और 58.41% या फिर 59.41%।
सिर्फ नेहा का आंसर है, नेहा जैन। सुप्रिया बहुत अच्छे। पलक, सही है। चलो करें बात, इसको देता हूं मैं हटा। कहता है यहाँ पे, द सेविंग ऑफ अंकिता इन 2014 वाज 20% ऑफ हर सैलरी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम अंकिता की बात करें तो 2014 पे बात करते हैं, दैट इज इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। सर वो 20% अपनी सैलरी का सेव करती है, मतलब 100 रुपये कमाती है, 20 रुपये सेव करती है, 80 रुपये खर्च करती है। फिर सर क्या था, 2015 में क्या हुआ, 2015 में उसकी जो सैलरी है वो 25% बढ़ गई, सैलरी बढ़ी 25%। 25% बढ़ने का मतलब है अब सैलरी 125 हो गई, और उसकी जो सेविंग है वो 10% बढ़ गई है, सेविंग 10% इंक्रीज, 20 का 10% इज 2, तो ये हो गया 22। तो एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ होगा, सर 125 इनकम हो चुकी है, सेविंग 22, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, दैट इज 103 होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब वो बात करता है 2016 की, और कहता है इफ इन 2016 उसकी सैलरी डिक्रीज हो गई 10%, यहाँ पर सैलरी 10% डिक्रीज हो गई है, 125 का 10% इज 12.5, 12.5 कम कर दो, 112.5, और एक्सपेंडिचर जो है वो सेम है एज द प्रीवियस, मतलब पहले जितना एक्सपेंडिचर था वही सेम है, तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हर सेविंग इन 2016 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, मतलब 2016 में जो उसकी सेविंग है कितनी है, सेविंग है 112.5 इनकम है, 103 उसकी उसका एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितनी है अगर हम देखें तो दैट इज सर 9.5, राइट ना, कितनी 9.5 उसकी सेविंग है ना, 112, 112.5 इनकम, एक्सपेंडिचर 103, तो दैट इज कितना आपका 9.5 है। इजी। अब यार अगर कोई, अब इसने बोला बताओ उसकी सेविंग में कितने परसेंट का चेंज आया इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर, तो पहले वो 22, प्रीवियसली वो कमा रही थी 20, सेविंग कर रही थी 22, अब कर रही है 9.5, तो कितना चेंज आ गया, चेंज इन सेविंग कितना आया इसका, तो आप कह सकते हो सर क्योंकि कंपेयर 22 से करना है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 12, 12.5, 12.5 और इनटू में आप कर दोगे 100, और क्योंकि आई गेस ऑप्शन काफी क्लोज थे, है ना, ऑप्शन जहां तक मुझे लग रहा है मैंने काफी क्लोज ऑप्शन दिए थे, मतलब थोड़े क्लोज थे। खैर थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं, डेसिमल हटाया, जीरो आ गया, जो भी थोड़ा बहुत कटता उसको काट लेते हैं, जैसे सर ये वाले जीरो से जीरो काट दो, टू के टर्म में 5 पे गया, टू के टर्म में 11 पे गया, 125 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, अपॉन में 11 हो जाएगा, फिर 11 5 55 हो गया, और आपका 7 कैरी जाएगा, और फिर 11 6 66, 56 समथिंग पे एक ही ऑप्शन था ना, हाँ एक ही था, तो 56.81% विल बी द आंसर। आई होप क्लियर है बात, नेहा आरती पलक जो भी बच्चे, राइट नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट से। ये था क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 ये मैंने कल कराया था, नहीं कराया था, आप लोग करो फटाफट। ऑप्शन है आपके 18.2 kg, 17.6 kg, 16.2 kg या फिर 15.6 kg।
ओके सो अभी तक में नेहा का आंसर, द प्राइस ऑफ शुगर, नहीं यार इसका आंसर आ जाना चाहिए था, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 25% बट अ फैमिली डिक्रीज्ड इट्स हर डिक्रीज हर मंथली एक्स कंजम्पशन सच दैट द टोटल एक्सपेंडिचर शुगर पे सिर्फ 10% इंक्रीज हुआ देन द प्रीवियस. अगर फैमिली इफ द कंजम्पशन ऑफ अ फैमिली वॉज 20 kg पर मंथ देन वॉट इज द मंथली कंजम्पशन नाउ. तो अभी कितना मंथली कंजम्पशन है. ओके चलो देखें एक बार. तो यहां पर आप ये देखो, तीन चीजें होती हैं, आप सबको पता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर. प्राइस मैंने बता रखा है, मैंने कहा प्राइस 25% इंक्रीज हुआ है, ठीक है. एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो एक्सपेंडिचर आपका 10% इंक्रीज हुआ है और आपको कंजम्पशन के ऊपर बात करनी है. तो आपको पता है कि सर एक्सपेंडिचर को जब मैं प्राइस से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, दैट इज कंजम्पशन. एक्सपेंडिचर क्योंकि 10% इंक्रीज हो रहा है, 10% इंक्रीज मतलब 10 से 11 हो गया. प्राइस 25% इंक्रीज हो रहा है, 4 to 5 हो गया. तो कंजम्पशन कितना होगा, दोनों को आप डिवाइड करोगे मतलब 10/4 ratio 11/5, मतलब सर ये हो जाएगा 50 से 44. 50 से 44 मतलब 25 से 22. अब सर क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले फैमिली कंज्यूम करती थी कितना, 20 kg. पहले 20 kg कंज्यूम करती थी मतलब 25 की वैल्यू कितनी है, 20 है, यही था ना. अब कितना करती है ये बताओ, 25 की वैल्यू 20 है. अगर 25 की वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 20/25 यानी कि 4/5. तो बेसिकली कनेक्ट कितने पे हो रहा है, 4/5 पे कनेक्ट हो रहा है. तो सेम 4/5 आप यहाँ कर देना, आंसर आएगा 88/5 यानी कि 17.6. आई होप ये बात क्लियर है, ठीक है. तो यहाँ पे सिंपल है, आपको एक्सपेंडिचर बता रखा है मैंने, प्राइस बता रखा है और कंजम्पशन के बारे में बात पूछी है. तो एक आसान क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था. अगले क्वेश्चन पर आते हैं और ये पूरी कहानी है यार. ऐसे क्वेश्चन आपको पता है हमारे आते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है, जिनमें एक टाउन होना, वहां पे मेल फीमेल, फिर लिटरेट इलिटरेट, ऐसे ऐसे करके पूरी कहानी बना देते हैं. तो एक बार आप लोग कोशिश करो इसे करने की. ऑप्शन में देता हूँ, ऑप्शन आपके 2.5%, 2.7%, 3.2%, 3.6%, ठीक. सो इन अ विलेज 60% आर मेल एंड द रिमेनिंग आर फीमेल. आउट ऑफ देम 75% मेल एंड 45% फीमेल आर एडुकेटेड. 30% ऑफ द एडुकेटेड मेल एंड 50% ऑफ द एडुकेटेड फीमेल आर पोस्ट ग्रेजुएट. 20% ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट मेल एंड 10% ऑफ फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट आर इन गवर्नमेंट जॉब. तो पूरी कहानी लिखी हुई है, तो आप बस एक नंबर लेट करें और क्वेश्चन जैसा ऐसा कह रहा है वैसा वैसा कर दो. चलो देखें, आरती जैन विनीत, हाँ मतलब एक कैटेगरी फिर उसमें कैटेगरी, मतलब ये इतने मेल फीमेल है, मतलब एक बनाते ना कि एक टाउन है यहाँ पे मेल फीमेल है, फिर उसमें इतने लिटरेट हैं इतने इलिटरेट हैं, फिर ऐसे ऐसे करके पूरी कहानी चलाते रहते हैं. तो देखते हैं एक बार, 100 मानना होता है जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करना होता है आरती, ठीक है. जैसे कहता है विलेज है 60% मेल है बाकी फीमेल है, ठीक है. मान लो 100 लोग हैं, ठीक है, टोटल लोग 100 हैं, उसमें से मेल कितने हैं पता लग रहा है सर, 60 है, क्योंकि 60% बोला हुआ है, और फीमेल कितनी है, 40 है.
कहता आउट ऑफ दैम 75% मेल और 45% फीमेल एडुकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना, दैट इज 75%। 75% का मतलब होता है 25/100, यानी कि 3/4 ऑफ कितने का, 60 का। तो 4 × 15 = 45, यानी मेल में कितने हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, एडुकेटेड है, दैट इज 45, और कितने ऐसे होंगे जो कि एडुकेटेड नहीं है, अनएजुकेटेड है, तो दैट इज सर 15, ठीक। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में बोला 45%, 45% फीमेल है जो कि पढ़ी लिखी है, एडुकेटेड है, तो 45% कितना हो जाता है मेरा, दैट इज 9/45% इज व्हाट, या फिर यहाँ पे आप सीधा कर सकते हो 40% कितना होगा आपका, 40% होता है कितना, 16, और 2% 18 डाल दो, तो 18 हो गई। और कितनी फीमेल ऐसी हैं जो कि एडुकेटेड नहीं है, तो दैट इज सर 22 होंगे जो कि नहीं है। 30% ऑफ द एडुकेटेड मेल, ठीक है, जो पढ़े लिखे हैं उसमें अगर मैं बात करूं, 30% ऑफ द एडुकेटेड मेल एंड 50% ऑफ द एडुकेटेड फीमेल आर पोस्ट ग्रेजुएट। अच्छा जी, यहाँ पे 30% ऑफ द, यहाँ से मेल, ठीक है, यहाँ से 30% मेल उठा लो, ये कितना हो गया आपका, दैट इज 13.5, है ना, 13.5 है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट है, ओके। 50% ऑफ द फीमेल, ठीक है, यहाँ पे 50% मतलब कि 9 फीमेल है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट है, और क्या कह रहा है, खत्म नहीं, 20% ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट मेल, इसका 20%, इसका 20% कितना हो गया मेरा, दैट इज 1.35 और 2.7 आई गेस, है ना, 2.7 हो गया ये मेरा, क्योंकि इसका 10% कितना होगा, 20% यानी, हाँ 10% होगा इसका, दैट इज 1.35, तो 20% इसका डबल हो जाएगा, दैट इज 2.7, 2.7 ऐसे हैं 20% ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट मेल एंड 10% ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल, इसका 10% कितना होगा, 0.9 होगा, ठीक है, 0.9, जिनके पास गवर्नमेंट जॉब भी है, ठीक है जी, गवर्नमेंट जॉब पे टिक लगा दो, इन लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब है। अब कह रहा है द नंबर ऑफ पीपल हु आर इन गवर्नमेंट जॉब इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन, क्या 2.7 और 0.9 मतलब कितना, 3.6 लोग हैं इस गांव में जो कि गवर्नमेंट जॉब पर है आउट ऑफ 100 लोग, और इनटू 100 करोगे तो ऑब्वियसली 3.6%, समझ गए ना बात सभी बच्चे। देखो आउट ऑफ 100 चलाते इसलिए हम लोग, ताकि जो भी नंबर आता है, अगर नंबर आ रहा है 3.6 तो आंसर होगा 3.6%, इसलिए हम लोग 100 को प्रेफर करते हैं, ठीक है, तो ठीक है जी, मतलब मुझे लग रहा है क्वेश्चन बस वो था कि परसेंटेज आप फटाफट कैलकुलेट कर लो बस उस पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, और ये आप लोग एक बार ट्राई करना, ऑप्शन है आपके 16, 3, 6 या फिर 4। Amar has certain number of papaya with him and he sells each papaya 4 rupees 8. Shyam bought 25% of the papaya and Sandeep bought 2/3 of what was left. Mani bought 50% of what was left and Sid ne kharide 4 papaya. Total amount paid by Shyam and Mani is 96. To batao, Sandeep ne kitne papaya kharide? Okay, kafi bhari bharkam question, kafi kuch dal diya ki main. थोड़ा सा टाइमर बढ़ा देता हूँ। राहुल, अंकित, सिर्फ 2 बच्चे,
नहीं यार, और होने चाहिए थे, बट कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि अमर हैज सर्टेन नंबर ऑफ पपाया विद हिम, ठीक है। वो हर पपाया कितने का बेचता है, 8 रुपए का बेचता है। श्याम ने 25% ऑफ द पपाया, संदीप ने बॉट 2/3 ऑफ व्हाट वाज लेफ्ट, जो भी बच गया था उसका 2/3 खरीदा, यानी इसने 1/4 खरीदा, इसने बचे हुए का 1/3 खरीदा, ओके। और मानी ने 50% खरीदा जितना भी बच गया था, और सिड ने फिर लास्ट में 4 खरीद लिए। आपको फिर इसमें एक बात बोली गई है कि टोटल अमाउंट पेड बाय श्याम एंड मानी। देखो यहाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि श्याम और मानी ने टोटल कितना अमाउंट पे किया पपाया के लिए, 96 रुपीज। अब एक बात बताओ, एक पपाया 8 रुपए का है, एक पपाया 8 रुपए का है, और श्याम और मानी ने 96 रुपीज के पपाया खरीदे, तो 96 को अगर आप 8 से डिवाइड कर दो तो इसका मतलब 12। तो इससे क्या समझ में आया कि श्याम और मानी ने 12 पपाया खरीदे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था बस इस क्वेश्चन का, ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं है, पहले तो आप अपने मन से कोई नंबर ले लो, अगर आपको वैसा करना है, लेट वेट वाला प्रोसेस करना है, ठीक है। तो पहले आप अपने मन से कोई नंबर ले सकते हो कि सर लेट से कि कितना, दैट इज कोई भी नंबर, लाइक या फिर डायरेक्ट ही कर लूँ क्या। श्याम ने खरीदे 25%, ठीक है, और मानी ने कितने खरीदे, या चलो लेट ही कर लेते हैं। 25% वाले 1/4 करना है, फिर आपको 2/3 करना है, फिर मानी का डेटा आएगा, फिर कहीं जा करके हम सिट पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, मान लेते हैं टोटल पपाया 1/4 है ना, छोड़ो ना इतना क्या सोचना, 12 ले लेता हूँ। श्याम ने कितना खरीदा, 25%। श्याम ने खरीदा 25%, तो इसका 25% कितना होता है, दैट इज 12 का 25%, विच इज 1/4, मतलब 3। तो इसका मतलब श्याम ने खरीदे 3 पपाया, 25% इज 1/4, मतलब 3 खरीदे। संदीप कितने खरीदता है, ये तो हो गए श्याम के, ठीक है। अगर टोटल 12 है, तो अगर मैं बात करूं श्याम की, तो श्याम ने खरीदे 25% ऑफ 12, तो लिख भी देता हूं मैं, यानी कि 3। फिर उसके बाद बात करते हैं संदीप की। संदीप क्या करता है, जो भी बचे बचे कितने, 12 में से 3 गए, बचे 9, इसका 2/3 खरीदता है, 3 इसको 3 पे काटेगा, 6। फिर उसके बाद आती है मानी। मानी क्या करती है, बचे हुए का 50% खरीदती है। अगर मैं मानी की बात करूं तो मानी बचे हुए का 50% खरीदती है, बचा कितना भाई, 6 3 9 बिक चुके हैं, बचे 3, और 3 का 50% मतलब 1.5 खरीदती है। अब आ जाता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहां पर मुझे ये पता है कि श्याम और मानी ने टोटल 12 खरीदे, ठीक है, श्याम और मानी ने खरीदे 12। तो सर इसका मतलब ये जो आपका, एक मिनट रुकना जरा, संदीप के बारे में बात करनी है ना कि संदीप ने कितने खरीदे, राइट। तो 6 3 9 10 10.5 1.5, ये तो बिना इसके भी कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब इसकी तो जरूरत ही नहीं है। अगर मैं टोटल पपाया 12 लेता हूँ, ठीक है, टोटल अगर मैं 12 लेता हूँ, श्याम ने खरीदे 3, संदीप ने खरीदे 6, मानी ने खरीदे 1.5, तो यार सिड ने कितने खरीदे होंगे, सिड ने कितने खरीदे होंगे, अगर आप टोटल पपाया 12 कंसीडर कर लो, मतलब टोटल ये हटा दो वाली लाइन, अगर मान लो मैं टोटल 12 कंसीडर करता हूँ कि टोटल पपाया 12 है, ऐसा मैंने लेट किया है, ऐसा मैंने लेट किया है, तो श्याम ने कितने खरीदे, सर श्याम ने खरीदे हैं 25% ऑफ 12, यानी कि 3। संदीप ने खरीदे बचे हुए का 2/3, बचे 9, 9 का 2/3, 6। फिर मानी क्या करती है, बचे हुए का 50%, बचा कितना यार, 6 और 3 9 बिक चुके हैं, 12 में से 9 बिक गए, बचे 3, तो 3 का 50% मतलब 1.5, राइट। अब कितने बचे, 1.5, तो मतलब सिड ने खरीदे 1.5, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि सिड ने 4 पपाया खरीदे, मतलब मेरे हिसाब से 1.5, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना, 4, राइट, 4। तो 1.5 की वैल्यू 4 है, और आपको बताना है संदीप का डेटा, मतलब 1.5 की वैल्यू है 4, और आपसे पूछा जा रहा है बताओ 6 की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो ठीक है, 1.5 की वैल्यू 4 है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई 4 कर दो दोनों तरफ, यानी कितनी हो जाएगी, दैट इज 16 हो जाएगी। आई होप ये बात क्लियर है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सर 1.5 की वैल्यू 4 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 4/1.5, बट सर ये कहा गिवन है कि सारे पपाया सोल्ड हुए हैं। हाँ, यहां पर इन शॉर्ट हम जा करके, बात वैलिड है पलक,
यहां पर जा करके हम एक वो कंफर्म वाले स्टेज पे जा सकते हैं, ठीक है, कि जैसे यहां पर है अमर हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ पपाया विद हिम, ही सेल्स 8 रुपए में, ठीक है, श्याम ने 25%, संदीप ने खरीदे 2/3, मानी ने खरीदे 50% ऑफ व्हाट वाज लेफ्ट एंड सिड बॉट द 4 पपाया, टोटल अमाउंट पेड बाय हिम। इस चीज को, क्योंकि ये चीज भी कंफर्म करना जरूरी है कि भाई लास्ट में जो है वो पपाया बचे ही नहीं, ठीक है ना, ये चीज भी कंफर्म करना जरूरी है। बिल्कुल सही पॉइंट है आपका पलक, राइट। तो यहां पे अभी जो मुझे डेटा दे रखा है, तो यहां पर जो मुझे अभी जो मैंने डेटा निकाला था, कितने थे श्याम और मानी के, कितने थे वो 12 थे ना टोटल, श्याम और मानी ने 12 खरीदे थे, राइट। अच्छा, श्याम और मानी ने मेरे हिसाब से खरीदे थे 12, तो यहां पर श्याम ने खरीदे 3, मानी ने खरीदे 1.5, तो 4.5 की वैल्यू मुझे पता, इतना तो चलो कंफर्म है कि भाई 4.5 की वैल्यू 12 है, ठीक है। 4.5 की वैल्यू अगर 12 है तो कनेक्ट कितने पे हो रहा है यार, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 अपॉन में 4.5, ठीक है, डेसिमल हटा दो, जीरो लगा दो, थोड़ा बहुत ये जो कर सकते हैं, फिर 5 के डबल में या तो 15 के डबल में सीधा जाएगा 3 पे, और 15 के डबल में 8 पे, नहीं डेसिमल पे नहीं जाएंगे सीधा, सिंपल 8/3 रखते हैं, कि सीधी बात है सर 8/3 है, डन 8/3। अब यहां पे देखो, अगर एक मतलब मैं इसको 8/3 लेके चलता हूं, तो टोटल पपाया 12 है, 12 इन सब में 8/3 इन शॉर्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल वाले में 8/3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 इसे 4 पे काटेगा, 8 4 32, फिर श्याम वाले में भी आप ये जो श्याम वाला डेटा इसमें भी आप 8/3 मल्टीप्लाई कर दो, तो सर ये 8 आ गया, इधर आप 8/3 मल्टीप्लाई कर दो, सर ये 16 आ गया, मानी का जो 1.5 डेटा था इसमें आप 8/3 करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कितने बिक चुके हैं, टोटल 32 थे, अब बिक चुके हैं कितने, 16 8 24 और 4 32, 32 बिक चुके हैं, राइट। और लास्ट में अगर सिड के भी आप 4 मिला लो, ठीक है, ये कितना हो गया मेरा 16 8 24 4 28, और लास्ट में सिड के भी अगर 4 मिला लो तो 32, मतलब 32 के 32 बिक गए, अगर आप इस तरीके से जाते हो, मतलब इससे क्या हो रहा है, ये भी कंफर्म हो रहा है कि 32 के 32 हमारे सोल्ड आउट हो रहे हैं, जो किसने बेचे हैं। खैर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनीवेज मुझे सिड और मानी के, मतलब श्याम और मानी का डेटा पता है कि उन्होंने 8/3 खरीदे, और संदीप का डेटा बताना था, जो भी मैंने लट किया उसके प्रोसेस में मैं जा सकता हूँ लास्ट में, बस हाँ थोड़ा ये क्लियर हो सकता है थ्रू सिड कि भाई सिड ने 4 खरीदे, और अगर आप सिड के 4 इंक्लूड करो दैट मीन सारे बिक गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट ना 7-8 क्वेश्चन बचे हैं, कितना 3 बच चुके हैं, एक काम है मेरे को जाना पड़ेगा, पर अभी हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ अराउंड 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो एक ना हाफ एन आवर का सेशन 6 PM कर लेंगे, 6 PM तो नहीं हो पाएगा, 6:30 PM ना एक ऐसा 45 मिनट का सेशन कर लेंगे फटाफट वाला, ठीक है, तो उसमें बचे हुए जो भी 7-8 मेरे ख्याल 7-8 क्वेश्चन बचे, क्योंकि कल मैंने 1-2 तो यूट्यूब पे करा दिए थे, तो जो भी 7-8 क्वेश्चन है वो मैं शाम को करा दूंगा, ठीक है ना। PYQ मैं कल से शुरू करूंगा शुभम, चलो, और बाकी जाते आते ये देख लेना कि ये दो बातें, सबसे पहले कि टेलीग्राम ग्रुप है मेरा अनअकैडमी अंडरस्कोर रमन, जिसमें यू कैपिटल है आर कैपिटल है, अनअकैडमी अंडरस्कोर रमन, ये मेरा रेफरल कोड है RMN10, सब्सक्रिप्शन के वक्त इसका यूज आप जरूर कर लेना। एंड अभी राइट नाउ कोई ऑफर तो है नहीं अनअकैडमी पे, जो आप लोग के आता ना डिस्काउंट ऑफर 25% वगैरह, सर प्लीज ट्राई ऑन यूट्यूब मोर, सॉरी जतिन समझा रही हूं, कर लेंगे रोहन। PYQs में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मॉडुलस के स्टार्ट करूंगा, अच्छा मतलब टॉपिक वाइज मैं सेशन, अच्छा आप कह रहे हो यूट्यूब पे मैं टॉपिक वाइज पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ऐसा ये कह रहे हो जतिन, ओके अभी देखूंगा जतिन, मैं अभी आने वाले टाइम पे करूंगा, स्टिल अगर आप मेरे ख्याल सब्सक्रिप्शन नहीं है ना आपके पास, हाँ राइट। चलो देखना यार, अगला आपका जो कैट सेट स्टार्ट होने वाला है, मतलब अगला जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, जैसे कल संडे को हुआ था ना, अब 25 जून यानी कल होगा 12 बजे 5 बजे, जैसे अभी संडे को हुआ था, अब अगले संडे दोबारा होगा 12 बजे 5 बजे, दो टाइम स्लॉट में 60 मिनट 30 क्वेश्चन, ठीक है, तो देखना अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। अगेन 1999 की टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी की साइट से, जिसमें कि आपको 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 आपके मंथली सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, और ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। और अगर आप फर्स्ट 50 लर्नर में से हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आई एम कन्वर्ट करने पर आपको 100% का फी रिफंड मिलेगा, और 1 ईयर तक का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा अगर आपका आई एम कन्वर्ट नहीं हुआ तो।
100 प्लस बच्चे जिन्होंने आई एम ब्लैक ही कन्वर्ट किया, 650 प्लस बच्चे जो कि अदर टॉप एमबीए कॉलेजेस में पहुंचे। एक यार हमारा है, दैट इज द टारगेट अचीवर बैच फॉर कैट 23। ये एक बैच आ रहा है हमारा, टारगेट अचीवर बैच फॉर कैट 23, ठीक है। 29 जून से बैच स्टार्ट होगा, तो ये आप देख सकते हैं। और एक है नाइट बैच फॉर कैट 23, 15 जून से ये वाला बैच स्टार्ट हो रहा है। और एक बेलदा कैट है 24 वाला, जो कि 15 जून से हमारा है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन हमारे दो तरह के, दैट इज प्लस आइकॉनिक। प्लस के अंदर आपको लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस पूरी आपका, स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स पीडीएफ, डिजिटल नोट, 25,000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक, लाइव टेस्ट क्विजेस, अनअकैडमी कम्युनिटी, आस्क अ डाउट, ठीक है। आइकॉनिक में आपको फिजिकल बुक्स मिलती है, जीडीपीआई बैट के लिए प्रिपेयर कराया जाता है, 1-to-1 मेंटरशिप, कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग होती है, तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं, डन है। मिलते हैं और बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है सर। कल मॉर्निंग वाले स्लॉट में 85% आए थे, बढ़िया शुभ, और मतलब कंटिन्यू रखो इन चीजों को, ठीक है ना। अभी अगला संडे आएगा तब भी देना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, थोड़े से शुरू कर दो अभी, ठीक है। चलो ओके बाय, टेक केयर जी।